नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। शुभ प्रभात। तो फिर कल रात हम मंदवाड़ा गांव शिव मंदिर में रुके थे, मैंने आपको कल दिखाया वो अच्छा था शिव मंदिर वगैरह। अकेला ही था मैं, और 6 बजे सब कुछ स्नान वगैरह करके मैया की पूजा वगैरह करके अभी निकल चुका हूँ। तो फिर आज रात मतलब आज सुबह 4:30 बजे एक इंसिडेंस हुआ। एक महिला आती है, मतलब थोड़ी सी यंग थी वो आती है मंदिर में, इधर उधर भटकने लगती है। मुझे नींद से जाग गया एक्चुअली, क्योंकि वो मैंने पावर बैंक चार्जिंग को लगाया था, वो उसके साथ कुछ तो कर रही थी, मैंने देखा था वो। फिर आती है, मैं मतलब उठ के बैठता हूँ ना नींद से, इसलिए वो मेरे पास आती है, रोने लगती है कि बाबा जी ये बाबा जी वो ऐसा वैसा, फिर पैसे भी मांगने लगती है। मैंने बोला पैसे तो नहीं है, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो मैं दे देता हूँ। तो नहीं बाबा जी पैसे दे दो बोली। मैंने बोला नहीं बाबा पैसे तो नहीं है, क्योंकि पैसे देकर अभी वो क्या करती, वो उससे नशे ही करती, पहले से ही वो पी के आई थी। तो फिर मैंने उसको पानी थोड़ा सा दे दिया, पानी चाहिए था उसको। फिर मैंने जाके देखा कि बाबा पावर बैंक है या नहीं मेरी, तो पावर बैंक उधर नहीं थी मेरी, उसने पावर बैंक मेरी छुपा कर रख दी थी एक्चुअली दरवाजे के पीछे। तो मुझे पहले समझ नहीं आया कि बाबा उसने छुपा कर रख दी है वो। फिर मैं उसको थोड़ा सा डांटा मैंने, मतलब पावर बैंक किधर है माता जी, पावर बैंक अगर आपने लिया है तो दे दो। फिर वो बोली पहले पैसे दे दो फिर मैं बताऊँगी। अगर अकेली महिला है तो ऐसा डायरेक्टली किधर हम छू वगैरह नहीं सकते, इसलिए थोड़े से उस जगह पे जाके देख लिया कि बाबा उसने किधर तो रखा है या नहीं है, उसने ही लिया है फिर उधर उसने छुपा के रखा। इसलिए मैंने उधर के सिक्योरिटी को बुलाया, मतलब एक बाहर इंसान सो रहा था वो, मतलब इंसान में यानी क्या है, वो भी बहुत दूर था, पर क्योंकि अकेली महिला है ऐसी इतनी 4:30 बजे वो आती है, ऐसा कुछ तो करती है, तो एक्चुअली ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही, मैं भी अकेला हूँ, फिर किसको तो लेके आती अगर उसके 4-5 आदमी होते। आजकल ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि बाबा अकेली महिला दिखती है फिर बाद में 4-5 इंसान आ जाते और लूटपाट लेते, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया था, पर इट्स ओके, वो मैटर सॉल्व हो गया। वो उसको मंदिर से मतलब बाहर जाने के लिए बोल दिया उस सिक्योरिटी ने, ऐसा होता है फिर। चलो बड़वानी अभी 25 किलोमीटर है इधर से, आज होता है या नहीं देखते, जितना होगा उतना किया जाएगा। तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं परिक्रमा में, तो इसलिए किसी के साथ तो मतलब कोई तो रहना चाहिए आपके साथ, आप अकेले हो तो थोड़ा सा डर होता है कि बाबा ये होगा वो होगा लूटमार होगी, इसलिए किसके तो साथ चलो। मैं भी अभी देखूंगा कि आगे कोई मिलता है, एक बाबा जी है वो मेरे से आगे चल रहे, उनके साथ ही मैं रहूँगा अभी, देखते क्योंकि शूलपानी जंगल वगैरह शुरू होने वाला है। चलो बड़वानी में मिलते, नर्मदे हर नर्मदे हर। तो फिर अभी हम अंजड़ गांव में हैं, और एक्चुअली हमारा जो गिटार है वो हम भेजना चाहते हैं, तो कुरियर की सेवा ढूंढ रहे हैं अभी। तो ये है अच्छा है, अभी वो बोले कि आज रविवार है इसलिए वो बंद हो सकता है, तो फिर बड़वानी में भी मिल सकता है, तो देखेंगे अभी क्या होता है। अभी बड़वानी इधर से 16 किलोमीटर है, बड़वानी 16 किलोमीटर है, बावन 24 किलोमीटर से आगे बस स्टैंड है, तो फिर उधर सेवा है ऐसा बोल रहे थे, फिर देखेंगे आगे कैसा होता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो फिर अभी हमने अंजड़ गांव क्रॉस कर दिया है, अभी बड़वानी इधर से 14-15 किलोमीटर की दूरी तक रहेगा। तो फिर एक्चुअली जो गिटार था मेरा, मेरे पास गिटार था,
वो मैंने एक्चुअली मतलब कुरियर कर दिया है दुकान, मतलब मधुर कुरियर नाम से एक दुकान था, तो उस दुकान से पुणे के लिए, मतलब पुणे में बावधान नाम का गांव है, बावधान नाम का शहर है, तो उधर मैंने भेज दिया है। लगभग 700 रुपये खर्चा आया, 700 रुपये का खर्चा आएगा उसमें लगता है। फिर देखेंगे, वो 2-3 दिन तक पहुँच जाएगा। क्या चल रहा है इनका? 2-3 दिन तक पहुँच जाएगा गिटार, ऐसा बोल रहे थे वो नर्मदे। फिर देखेंगे क्या होता है अभी आगे। इधर तो कुछ खाना वगैरह का आश्रम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो पिछले वाले बाबा ने बोला कि 2-3 किलोमीटर आगे है, फिर देखेंगे आगे। चलो नर्मदे हर नमस्कार। तो फिर हम अभी अंजड़ के आगे बोरलाय नाम का गांव है, फिर उधर रुक कर अभी भोजन वगैरह किया, भोजन मतलब बाल भोग लिया था कि बाबा थोड़ा सा चिवड़ा वगैरह खाया, अभी भोजन तो नहीं मिला आज। ये आगे बड़वानी इधर से 10 किलोमीटर है बोल रहे महाराज जी, आज पिछले वाले आश्रम के वो उन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर में लगेगा बड़वानी वगैरह। अभी 3 बज रहे तो घर तो पहुँच जाएंगे अब, 5 बजे 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे शायद। ऐसी धूप में अगर नीम का पेड़ नीचे बैठने के लिए कट्टा ऐसी जगह मिल जाए तो बहुत मन को शांति हो जाती है, अच्छा लगता है। अब 1-2-3 मिनट बैठेंगे और फिर चलना शुरू करेंगे। अब ये जो पीछे रोड दिख रहा, वाह क्या रास्ता है, ऐसे ही रास्ता पूरे रोड पर रहना चाहिए। ये पेड़ साइड पर पेड़ रहे तो अच्छा रहता है, ऐसा अच्छा। अभी थोड़ी गिटार वगैरह मेरे बैग का वजन मतलब बहुत कम हो चुका है, सो उसकी वजह से अभी तेज़ी भी बढ़ गई है मेरे चलने की। थोड़ी देर के लिए रोड एंजॉय करो, बहुत अच्छा ऐसे रोड थोड़े बहुत ही कम आते हैं। अभी शूलपाणी जंगल ही है तो फिर झाड़ी से जाएंगे, शूलपाणी झाड़ी से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम शायद टोल गुट है बड़वानी, अभी 6 किलोमीटर है। तो अभी आगे इधर से थोड़ी देर के लिए बड़वानी
पानी आने तक ऐसे ही खेत वगैरह है अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं वो और आगे बड़वानी है सीधा तो बड़वानी के आगे शूलपानी थोड़ा बहुत मतलब शुरू हो ही जाता है फिर देखेंगे निकली तो अच्छी बात है ऐसे शांत रोड पर चलने के लिए बहुत अलग ही मजा आता है कुछ तो अच्छा लगता है नमस्कार तो फिर अभी हम बड़वानी पहुंच चुके हैं शायद अभी बड़वानी का और लग चुका है तो फिर आज मुझे तो लग रहा है कि हम यहीं रुक जाएंगे इधर आश्रम होगा तो यहीं पर ही रुक जाएंगे आज रात देखेंगे आगे आप अभी आगे आगे कौन सा आश्रम है मुझे पता नहीं है कि बड़वानी में कौन सा आश्रम है तो फिर अभी हम बड़वानी गांव में अभी हम पहुंच चुके हैं 4:45 हो चुके हैं 5 बज गए तो फिर अभी आगे कौन सा आश्रम होगा तो फिर इसी आश्रम में हम आज रात रुकने वाले देखेंगे अभी बड़वानी में मुझे मालूम नहीं है कि बाबा कौन सा आश्रम है क्या है आगे जाके देखेंगे किसको तो पूछेंगे आगे फिर मैं आश्रम में पहुंच के आपको बताता हूँ कैसा है क्या है चलो नर्मदे हर